अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलेगा वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस मूवी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि पिछली बार यानी कि 3 साल पहले जब एलियंस पृथ्वी पर आए थे, तब से उसके बाद से यहाँ पर बहुत कुछ बदल गया है। पृथ्वी को दरअसल एलियन से बचाने के लिए कुछ देशों ने मिलकर एक सैटेलाइट का निर्माण किया, जिस सैटेलाइट की मदद से वो लोग अंतरिक्ष की निगरानी कर सकते हैं ताकि कोई एलियन ऑब्जेक्ट पृथ्वी पर फिर से ना आ सके। हाँ, वो लोग जैसे ही सैटेलाइट को ओपन करते उसी दौरान हम एक एलियन स्पेसशिप को देखते हैं जो काफी विशाल होती है। तभी अचानक से एक शटल उस स्पेसशिप से निकलकर पृथ्वी की ओर बढ़ने लगता है। फिर कुछ देर बाद वो शटल पृथ्वी पर एक समुद्र में आ गिरता है। जो शटल पानी में एक सबमरीन की तरह आगे बढ़ रहा होता है, जिसके बाद अब सीन 4 महीने बाद शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर हम यूलिया को देखते हैं जो अपने कुत्ते के साथ जॉगिंग कर रही होती है, जिसके चारों तरफ गार्ड्स होते हैं जो यूलिया की गार्डिंग कर रहे होते हैं ताकि यूलिया किसी से कोई बात ना कर सके। दरअसल यूलिया के पास एक खास किस्म का एलियन बैंड होता है जिसमें पानी को कंट्रोल करने की शक्ति होती है, क्योंकि 3 साल पहले जब एलियन पहली बार धरती पर आए थे तब यूलिया के एक एलियन दोस्त हैकोन ने उसे ये ब्रेसलेट दिया था। साइंटिस्ट उस ब्रेसलेट की पावर को जानने के लिए यूलिया पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, और इस एक्सपेरिमेंट के बारे में वो अपने दोस्तों को ना बता सके इसी वजह से उसके साथ में हमेशा गार्ड्स होते हैं। आप कॉलेज से निकलने के बाद यूलिया के पिता कर्नल वैलेंटाइन यूलिया के दोस्त गूगल को एक कंपनी में छोड़ते हैं जहाँ पर वो इंटर्न होता है। वहीं यूलिया को लेकर वो एक सीक्रेट रिसर्च लैब में जाते हैं जहाँ पर यूलिया के ब्रेसलेट की पावर को जानने के लिए एक्सपेरिमेंट होता है, जहाँ पर एक एलियन रोबोटिक आर्मर भी होता है जिस पर भी साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर यूलिया को एक पानी से भरे टैंक में रखा जाता है जहाँ साइंटिस्ट यूलिया से कुछ पर्सनल क्वेश्चंस करते हैं ताकि उन क्वेश्चंस को सुनकर यूलिया को गुस्सा आ जाए और उसका ब्रेसलेट एक्टिवेट हो जाए। अब यहाँ पर यूलिया के एक्स बॉयफ्रेंड आर्टियम को भी बुलाया जाता है, जहाँ आर्टियम ने मूवी के पहले पार्ट में यूलिया के एलियन बॉयफ्रेंड हैकोन को मारने की कोशिश की थी। इस वजह से यूलिया उसे देखकर गुस्सा हो जाती है। आर्टियम अब उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने जो भी किया था वो उसकी भलाई के लिए किया था, पर उसकी बातों को सुनकर यूलिया को सच में गुस्सा आने लगता है जिसकी वजह से ब्रेसलेट एक्टिवेट हो जाती है। हाँ, ब्रेसलेट के एक्टिवेट होते ही टैंक का सारा पानी ऊपर की तरफ उड़ने लगता है जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं यूलिया के पिता जल्दी से अपनी बेटी को टैंक से बाहर निकालते हैं, जिसके बाद जब यूलिया के पिता उससे बात करने की कोशिश करते हैं तब यूलिया उनसे विनती करती है कि उसे कुछ समय के लिए बिना गार्ड के अकेला छोड़ दिया जाए। अब यहाँ कर्नल वैलेंटाइन अपनी बेटी की बात को मानते हुए वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए वो इवान नाम के एक सोल्जर के पास में जाते हैं और उसे नॉर्मल कपड़ों में उनकी बेटी पर निगरानी रखने के लिए कहते हैं ताकि उनकी बेटी को ये पता ना चल सके। पर अब रात के समय में जब यूलिया एक बार में ड्रिंक कर रही होती है तब इवान को देखकर उसे समझ आ जाता है कि वो उसकी गार्डिंग के लिए है, जिस बात को कंफर्म करने के लिए वो इवान को ड्रिंक ऑफर करती है, जिसी दौरान वहाँ पर यूलिया का एलियन बॉयफ्रेंड हैकोन आ जाता है। दरअसल मूवी की शुरुआत में जो शटल समुद्र में गिरा था उसमें हैकोन ही था जो यहाँ पर यूलिया को जल्दी से अपने साथ में चलने के लिए कहता है। अब 3 साल बाद अचानक से जब वो हैकोन को देखती है तब उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता, उसे लगता है कि जैसे वो कोई सपना देख रही है। लेकिन जब यहाँ पर इवान और हैकोन के बीच में फाइट होने लगती है तब यूलिया समझ जाती है कि ये कोई सपना नहीं है। अब फाइट के दौरान यूलिया इवान के सिर पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर रास्ते में हैकोन यूलिया को बताता है कि पृथ्वी के लोगों को तुम्हारे ब्रेसलेट की वजह से हमारे टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ पता चल गया है, इस वजह से अब मेरे ग्रह के लोग तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे, इसलिए अब हमें जल्दी से जल्दी किसी दूसरे ग्रह पर जाना होगा। अब थोड़ी देर बाद हैकोन जंगल में बने घर में आ जाता है और अब वो दोनों इतने सालों बाद मिलकर खुश होते हैं। इसी दौरान हम हैकोन के स्पेसशिप के ऊपर एक बहुत ही विशाल स्पेसशिप को देखते हैं जो हैकोन के स्पेसशिप को अपने अंदर निकल लेता है। वहीं दूसरी तरफ यूलिया अपने पिता को कॉल करके उन्हें बता देती है कि उनकी चिंता ना करे, वो एक सेफ जगह पर है, लेकिन उसके पिता उसकी कॉल को ट्रेस करके उसके लोकेशन पर कुछ सोल्जर्स को भेज देते हैं ताकि वो यूलिया को वहाँ से सुरक्षित वापस घर ला सके। अब यूलिया के पिता ने सोल्जर से गन का प्रयोग करने से मना किया था, लेकिन मदरशिप जिसने हैकोन के शिप को अपने अंदर संभाल लिया था वो आर्मी की कॉल को हैक कर लेती है, जिसके बाद वो यूलिया के पिता के दिए गए ऑर्डर को बदल देती है, यानी कि उसके पिता ने जो डोंट किल का ऑर्डर दिया था तो उस मदरशिप ने
सिस्टम को हैक करके किल देम का ऑर्डर दे दिया। इसलिए बाद में उन दोनों पर गोलियों की बरसात कर देती है। हैकन अब यूलिया को बचाते हुए किसी तरह से अपनी स्पेसशिप शटल के अंदर घुस जाता है, लेकिन इस दौरान यूलिया को एक गोली लग जाती है। वो अब आर्मी से बचने के लिए अपने स्पेसशिप को ऊपर की ओर ले जाता है, लेकिन अब आर्मी के लोग उसे मारने के लिए उसके ऊपर मिसाइल लॉन्च कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम यूलिया के एक्स बॉयफ्रेंड आर्टियोम को देखते हैं, जिसे एक दूसरे जेल में भेजा जा रहा होता है। लेकिन यहाँ पर अब आर्टियोम रेकॉन का वो रोबोटिक आर्मर पहन लेता है। दरअसल मूवी के पहले पार्ट में आर्टियोम ने इसी रोबोटिक आर्मर को पहनकर हेकॉन को मार मार कर अधमरा कर दिया था, और अब यहाँ पर भी आर्टियोम उस रोबोटिक आर्मर को पहनकर वहाँ से भाग जाता है। इसी दौरान हम हेकॉन और यूलिया को देखते हैं, जो किसी तरह से आर्मी से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं, और चारों तरफ से एक साथ हमला होने की वजह से दोनों नीचे गिर जाते हैं। आप सोल्जर्स उन्हें मारने के लिए हेलीकॉप्टर से शूट करने ही वाले होते कि तभी वहाँ पर आर्टियोम आ जाता है, जो हेलीकॉप्टर को तहस नहस कर देता है, लेकिन इससे उसका रोबोटिक आर्मर सूट भी खराब हो जाता है। इसके बाद आर्टियोम हेकॉन और यूलिया के पास जाता है, और अब क्योंकि यूलिया को एक गोली लगी थी, इस वजह से आर्टियोम एक कार चुराता है, जिसमें बैठकर तीनों वहां से निकल जाते हैं। अब रास्ते में हेकॉन आर्टियोम को उस मदरशिप के बारे में बताते हुए कहता है कि उस मदरशिप को एक AI ऑपरेट कर रहा है, जिसका नाम रॉ है। रॉ दरअसल एक बहुत ही एडवांस AI है, जो उनके ग्रह के डिफेंस सिस्टम प्रोटोकॉल को भी देखता है। इस प्रोटोकॉल के तहत अगर किसी दूसरे क्रिएचर को उसके ग्रह की टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है, तब रॉ उसे मार देता है। और अब क्योंकि यूलिया को उस ब्रेसलेट के जरिए उस ग्रह की टेक्नोलॉजी के बारे में पता चल गया है, इसी वजह से रॉ उसे मारने के लिए यहाँ पर आया है। वहीं दूसरी तरफ यूलिया के पिता और डिफेंस के लोगों को यह पता चल जाता है कि उनके पूरे सिस्टम पर किसी AI ने कब्जा कर लिया है, और उसी ने ही यूलिया को मारने का आदेश दे दिया। इसी दौरान AI रॉ इंटरनेट पर कब्जा करके लोगों को उस सीक्रेट रिसर्च के बारे में बता देता है, जो यूलिया के जरिए किया जा रहा था, जो देखकर सब लोग डिफेंस हेडक्वार्टर के पास हंगामा मचा देते हैं, क्योंकि उसी एक्सपेरिमेंट की वजह से ही एलियंस फिर से धरती पर आए थे। वहीं दूसरी तरफ हेकॉन और आर्टियोम यूलिया को लेकर उसके दोस्त गूगल के पास में जाते हैं, जहां यूलिया को एक पानी के टब में रखा जाता है, क्योंकि यूलिया ब्रेसलेट की वजह से धीरे धीरे एलियन में बदल रही होती है। यहाँ है कि उसका DNA बदल रहा होता है, इस वजह से वो पानी के ही जरिए हील हो सकती थी। अब यहाँ पर हेकॉन आर्टियोम से कहता है कि आगे जाकर यूलिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगी, और वो पानी को बहुत ही आसानी से कंट्रोल भी कर सकेगी। इसी दौरान मदरशिप का AI रॉ सभी लोगों के मोबाइल को हैक करके उस पर एक मैसेज सेंड कर देता है। मैसेज में यह धमकी होती है कि अगर उन लोगों ने यूलिया को नहीं मारा तब वो उनके अपनों को ही मार देगा। जिसके बाद अब हम यूलिया के बॉडीगार्ड इवान को देखते हैं, जिसकी पत्नी उसे कहती है कि अगर उसने यूलिया को नहीं मारा तब वो AI उसके बेटे को मार देगा, इस वजह से वो यूलिया को मार दे। अब क्योंकि इवान यूलिया का बॉडीगार्ड होता है, इस वजह से वो सोच में पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ यूलिया का इलाज चल रहा होता है, जहां पर आर्टियोम गूगल की मदद से हेकॉन को बेहोश कर देता है, और फिर वो उसे लेकर यूलिया के पिता कर्नल वैलेंटिन के पास में जाता है। कर्नल अब हेकॉन को बताते हैं कि वो लोग उसके मदरशिप पर हमला करने वाले हैं। इस बार हेकॉन उन्हें समझाते हुए कहता है कि वो मदरशिप बहुत ही शक्तिशाली है, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन कर्नल उसकी बात को अनसुना करते हुए उससे रॉ के लोकेशन के बारे में पूछते हैं, जो हेकॉन को बताना पड़ता है। जिसके बाद अब मदरशिप पर हमले की तैयारी शुरू हो जाती है। अब इसके बाद अब हम यूलिया को देखते हैं, जिसे इवान सुरक्षित जगह पर ले जा रहा होता है। अब यहाँ पर इवान यूलिया से साफ साफ कहता है कि अगर उसके बेटे को कुछ हुआ तो वो उसे तुरंत ही गोली मार देगा, जो सुनकर यूलिया थोड़ा घबरा जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग डिफेंस हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर हजारों लोगों की भीड़ होती है। उनकी नजर अब जैसे ही यूलिया पर पड़ती है, वो उसे मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन इवान किसी तरह से यूलिया को बचाते हुए डिफेंस हेडक्वार्टर के अंदर घुस जाता है, जिसके बाद इवान अपने पद से इस्तीफा दे देता है, ताकि वो अपने बेटे की रक्षा कर सके। इसी दौरान डिफेंस के लोग मदरशिप पर एक मिसाइल से हमला कर देते हैं, जिस हमले के बाद उन्हें लगता है कि अब स्पेसशिप नष्ट हो गया है, जिस वजह से वो लोग खुशियां मनाने लगते हैं। लेकिन तभी हेकॉन के पास में AI रॉ का एक संदेश आता है, यानी कि अभी भी वो AI नष्ट नहीं हुआ है। अब रॉ हेकॉन को एक मौका देते हुए यूलिया को मारकर वापस अपने घर पर चलने के लिए कहता है, लेकिन हेकॉन उसकी बात मानने से इनकार कर देता है, जिसके बाद अब वो मदरशिप पृथ्वी की ओर आने लगती है। वो अब जैसे जैसे पृथ्वी की ओर बढ़ रहा होता है, पृथ्वी का पानी ऊपर आसमान की ओर जाने लगता है, जो देखकर चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। सभी लोग अब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, और अब यहाँ पर हम देख पाते
बताते हैं कि नीचे का पानी ऊपर की ओर बढ़ रहा होता है और वहीं ऊपर का पानी यानी कि बादल नीचे की ओर बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से थोड़ी देर में 3 किलोमीटर के एरिया में मौजूद सभी लोग डूबकर मरने वाले होते हैं। अब ये देखकर हेकोन और जनरल एक प्लान बनाते हैं, जिसके तहत हेकोन अपने शटल को लेकर मदरशिप की ओर बढ़ने लगता है। वहीं वहाँ की सिचुएशन को देखते हुए कर्नल वैलेंटीन अपनी बेटी यूलिया को एक हेलीकॉप्टर से दूसरी जगह भेज देते हैं, लेकिन वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है जिससे यूलिया नीचे पानी में जा गिरती है। अब नीचे की सिचुएशन को देखकर वो घबरा जाती है, उसे लगता है कि उसकी वजह से हजारों लोग मरने वाले हैं। इस वजह से वो लोगों को बता देती है कि वही यूलिया है, ताकि लोग उसे मार दे जिससे एलियन वापस लौट जाए। अब यहाँ पर लोग यूलिया को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर आरटीओम आ जाता है जो लोगों को ऐसा करने से रोकता है। अब यहाँ पर हम इवान को भी देखते हैं, जिसे रॉ ने मैनिपुलेट करके उसके बेटे की मरने की खबर दी होती है। जहाँ अब इवान को लगता है कि उसका बेटा मर गया है, इस वजह से वो यूलिया को मारने के लिए उस पर गन से शूट कर देता है, लेकिन आरटीओम यूलिया के आगे खड़ा हो जाता है जिससे गोली उसे लग जाती है, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। अब ये देखकर यूलिया को काफी गुस्सा आ जाता है, जिससे उसका ब्रेसलेट अब एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन इस बार यूलिया ने ब्रेसलेट पर काबू पा लिया होता है। वो अब अपने ब्रेसलेट की मदद से समुद्र में एक बहुत ही विशाल पानी की लहर बनाती है जो मदरशिप को जकड़ लेती है, जिसी दौरान मदरशिप पर आर्मी के लोग मिसाइल से हमला कर देते हैं। अब दोनों तरफ से हमले की वजह से मदरशिप पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, जो देख कर सभी लोग खुश हो जाते हैं। फिर इस घटना के कुछ दिन बाद हम कर्नल को उनकी बेटी यूलिया के कब्र पर देखते हैं। दरअसल यूलिया मरी नहीं होती, क्योंकि लोग यूलिया को मारने की कोशिश कर सकते हैं, इसी वजह से कर्नल ने उसे मृत घोषित कर दिया ताकि लोग उसे ढूंढने की कोशिश ना करें। अब मूवी के आखिरी सीन में हम यूलिया को अपने पिता के साथ देखते हैं, जो यहाँ पर अपने पिता से विदा लेकर हेकोन के साथ में एक दूसरे ग्रह पर रहने के लिए निकल जाती है, ताकि इस ग्रह पर उसकी वजह से कोई एलियन हमला ना हो, जिसके साथ ही मूवी सीरीज यहीं पर समाप्त हो जाती है।